49 पर लिखा है 1/24। एक सवाल ये है और यहाँ लिखा है 125 पर लिखा है बाबू x, यहाँ लिखा है 25/5 पर x। दोनों पर पूछ रहा है x का मान। सवाल देखो, सारे किताब में दूर दूर नहीं है। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए लड़के, ध्यान दो। यदि अंडर रूट एक्स लिखा गया है और यहाँ पर ये लिखा गया है तो घातांक के रूप में लिखना होगा ना, तो ये एक्स पर लिख दोगे 1/2 कितना हो जाएगा 2, बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 1। आराम से समझिएगा। अब ये 2 लिखा हुआ है ना, तो जब 1/2 वाला घात को तुम इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 1/2 घात। समझ गया? इधर 1/2 है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर मान लो स्क्वायर है, इधर जाएगा तो 1/2। जैसे मान लो x पर 3 घात करके इधर ये लिख दिए, तो इसका मतलब कि तुम उसे घनमूल निकालना पड़ेगा, a पर हो जाएगा 1/3। क्या समझ जा रहा? जैसे 2 पर मैं 1/5 लिख दूंगा, इधर मान लीजिए 2 लिखा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 2/5 घात हो जाएगा। समझ आया? मुझे कहना है आओ इस सवाल को लिखने जाओगे, हम इस सवाल को लिखने जाएंगे बाबू, तो x पर 1/12 लिखा हुआ है इस तरह, ये 49 लिखा हुआ है और इस पर लिख दिया है 1/24। तो फिर इसको 12 को उधर लेकर जाओगे तो x बराबर हो जाएगा 49 पर 1/24, और बाबू ये देखो ये बटा में लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा 12। समझ में आया? तो इसके बाद तुम कहोगे कि सर एक फार्मूला होता है, ए के पावर या मैं इसके पावर या, तो हम घातांक को आपस में क्या कर देते हैं, समझ में? तो यहाँ से जब हल कर दोगे तो x बराबर ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 1/24 गुणते हो जाएगा 12, 12 दुना के 24, x बराबर हो जाएगा 49 पर 1/2। 1/2 का मतलब देखो वर्गमूल है कि नहीं? यस सर। अंडर रूट इसे जब हल करने जाओगे तो x बराबर हो जाएगा वो ये कितना 49, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 गुणा 7, x बराबर कितना हो गया 7, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए ऐसे लगाया जाएगा सवाल को, घातांक का ये है बेसिक, कंप्लीट करें सवाल आपका लग जाएगा। जैसे मान लो 125 दूसरा सवाल x दे दिया है, 25 दे दिया है, ये बटा में ये 5 पर x लिख दिया, अब इसको कैसे लगाओगे, ये तो इस टाइप का नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो देखो 5 लिखा है, 25 125 जानते हैं सब 5 का क्या है गुणनखंड है, तो 5 का गुणनखंड है, तो तुम इसका गुणनखंड करोगे तो 5 गुणते 5 गुणते 5 तीन बार करोगे अब पावर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला करोगे तो 5 गुणते 5 ये 5 पर x रहेगा। फिर इसको और हल कर दोगे भैया तो कितना हो जाएगा, 5 पर 3 घात उसके पावर कितना हो जाएगा yes. बराबर ये 5 पर 2 घात बटा में हो जाएगा। यदि तुम चाहो तो इस वाले x को ऊपर कर दो यहीं पर, और नहीं तो इसको यहाँ गुणा कर दो, दोनों तरीका ठीक है। जैसे ये तो जानते हो ना घातांक वाला अभी दिखाया हूँ, कहाँ ये देखो दोनों पर घात है तो आपस में क्या करते हैं गुणा, ये हो जाएगा 5 पर 3x हो जाएगा, इसको कह रहा हूँ ऊपर करना है तो कर दो, तो तुम यहाँ पर दिखा देना कि हम पढ़े हैं कि a पावर m, तो ये हम आपस में क्या कर देते हैं घटा देते हैं। अब इसको हल करने जाओगे तो ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 2/-, कितना हो जाएगा x, तो यहाँ लिखोगे क्या चीज करोगे अब तुलना, क्योंकि दोनों आधार बराबर हो गया तो बराबर हो जाएगा, तो 3x/(x-) कितना, सॉरी 2- कितना हो जाएगा x, पचांतर करो तो 3x+(x) कितना हो गया 2, 4x ये ना होगा x बराबर हो जाएगा 2/4, 2 दुना के x/1/2, यही होगा क्या है बस।